बाजार के पंडित, बाजार के पंडित, बाजार के पंडित, बाजार के पंडित। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। आज आ गया हूँ मैं फिर से एक बेहतरीन स्टॉक लेके। तो स्टॉक की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस टाटा मोटर्स की, वो इतना भयंकर उछाल क्यों आया है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे के लिए मैं स्टॉक बताता हूँ जो आपको काफी बेनिफिट्स देता है। आज मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बताया था, हाँ, लेकिन इंडिया हाउसिंग फाइनेंस ने अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा था, तब तक कोई भी अपर सर्किट नहीं डाला है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट मैनर में ट्रेड कर रहा है। लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि बायबैक की अगर खबर वो हो जाती है, मैंने सोचा था आज बायबैक की खबर आ जाएगी, अगर बायबैक की खबर आ जाती तो स्टॉक आपको मोमेंटम दिखाता वो जरूर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज वीडियो में बात करेंगे हम लोग टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स का स्टॉक आपको दिख रहा होगा कि 6% से ऊपर की इसने बढ़त बना रखी है, और स्टॉक इतनी तेजी से मूव क्यों कर रहा है, तो इसके लिए मैं कुछ कारण आपको बताऊंगा और मैं आखिरी में निवेश की राय बताता हूँ। पहली बात बताता हूँ कि टाटा मोटर्स ने क्या करा है, 10 से 21 अक्टूबर तक के लिए क्या करा है, एक संवाद कैंपेन, यानी कि टाटा संवाद कैंपेन शुरू करा है। तो इस संवाद कैंपेन में, कस्टमर संवाद कैंपेन में, ये लोग करेंगे क्या कि ये क्या करेंगे, अपने कस्टमर के पास जाएंगे और उनसे उनके रिव्यू, फीडबैक, उनको क्या चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, उनको अवेयरनेस देंगे, उनको जानकारी देंगे। और देखिएगा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये होती है अच्छी कंपनी की खासियत। अच्छी कंपनी हमेशा कस्टमर का ध्यान रख के, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देख के ही आगे बढ़ती है। तो इनने जो कैंपेन शुरू करा है, ये इनिशिएटिव लेती है, यानी कि तुरंत अगर उनके निवेशक को लॉस हो रहा होता तो तुरंत इनिशिएटिव लेके कुछ आगे आती है। तो ये कैंपेन से इसको एक तरीके का बेनिफिट मिलेगा। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि टाटा मोटर्स एक लार्जेस्ट आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है और ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है, और ये स्टॉक आपको पता है ये है कि इस समय में कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था। तो अब बात करते हैं कि ये कैंपेन अगर चलता है, फीडबैक अच्छे आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी इनको कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो ये स्टॉक आने वाले समय में तो पक्का मोमेंटम दिखाएगा। अब बात करते हैं गड़बड़ बात क्या है कि इनके रिजल्ट, इनके फिर से क्वार्टरली के रिजल्ट आने वाले हैं। तो क्वार्टरली के रिजल्ट जैसे ही आएंगे, आपको पता है कि जैगवार और लैंड ओवर का बिजनेस फिर से क्या था, ईयर ऑन ईयर सेल्स फिर से डाउन हुई है, तो वो लॉस बुक करेंगे। तो अगर वो लॉस बुक करेंगे तो स्टॉक फिर से आपको लोअर सर्किट दिखाता हुआ दिखेगा, क्योंकि जितनी बार भी अभी इन्होंने बैक टू बैक इस साल जितने भी क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट करें वो क्या है, लॉस में बुक करें, और जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद लोअर सर्किट चालू हो जाता है। तो मैं आपको निवेश की राय ये दूंगा कि अगर अभी आप चाहें तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, इस स्टॉक को वॉच करते रहिए, और जब इनके रिजल्ट आ जाए तभी आप आगे कुछ फैसला लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को प्रमोट करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक बताता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच।